वहीं कोरबा जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जल स्तर बढ़ गया है। इसी के चलते दर्री बांध में पानी भरने से 3 गेट को खोला गया है। बता दें कि एक ओर जहां 7 नंबर गेट को 3 फीट तक खोला गया है, तो वहीं 6 नंबर गेट को 10 फीट और 3 नंबर गेट को 4 फीट तक खोला गया है। इसी को लेकर जल संसाधन के कर्मचारी ब्रिजेश साहू ने बताया कि डैम में पानी अधिक होने की वजह से डैम के 3 गेटों को खोल दिया गया है, जिससे लगभग 18,564 क्यूसेक पानी बराज से और अन्य जगह से कुल 26,583 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मैं ब्रिजेश कुमार साहू, हरदेव बराज कंट्रोल रूम दर्री। 3 दिनों से लगातार हो रहा बारिश के कारण हरदेव बांगो डैम का जल स्तर बढ़ चुका है और इसका जल स्तर का भराव 90% के करीब पहुँच चुका है और दर्री बराज भी उफान पर है। पिछले दिनों हुए बारिश के कारण आज सुबह से ही बराज के 2 गेट को खोलकर लगभग 9,602 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। फिर 7 बजे इसे जल स्तर बढ़ने के कारण 12,286 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वर्तमान में 10 बजे इसे पुनः बढ़ाकर 14,797 क्यूसेक पानी हरदेव बराज में छोड़ा जा रहा है। हालांकि निचले स्तर को अलर्ट जारी किया जा चुका है, फिर भी अभी किसी भी प्रकार का खतरा का कोई संभावना नहीं बन रहा है। वर्तमान में नहरों के माध्यम से भी सिंचाई हेतु पानी छोड़ा जा रहा है। बाईं तट कैनाल से 2,454 क्यूसेक और दाईं तट कैनाल से 2,961 क्यूसेक पानी और दोनों मिला के 20,212 क्यूसेक पानी वर्तमान में अभी छोड़ा जा रहा है। आगे भी जल स्तर के बढ़ने के कारण पानी की मात्रा को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।